Military officials said many students held hostage had been evacuated. One student described how they lay on the floor in an example of prolonged gunfire. The Taliban said the attack was in revenge for a Pakistani military. मुझे कॉल आई कि जी आर्मी पब्लिक स्कूल पे अटैक हुआ है. बेटी सुबह चली गई, रात को उसका वो लाश हमने वसूल किया. ये 102 ब्रिगेड के अंदर तमाम कैंटोनमेंट की सिक्योरिटी इनके जिम्मे है. अभी भी 15 जून 2014 को पाकिस्तान ने ऑपरेशन जरबियाज शुरू किया था. जब ये ऑपरेशन चल रहे थे तो उस वक्त हमने शायद ये एंटिसिपेट नहीं किया कि ब्लो बैक जो है वो सेटल एरियाज में आ सकता है. कि हमें अपने बच्चों का इंसाफ चाहिए. गाड़ी में असला मौजूद था. इतनी चेक पोस्टों को क्रॉस करते हुए वो गाड़ी कैसे आर्मी पब्लिक स्कूल तक पहुंची? पेशावर का वो ऐसा वाकया था कि हर घर में डेड बॉडी थी. मैं रिपोर्टिंग कर रहा था, यकीन करें मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था. ये जो दहशतगर्दों के ये हमारे के अंदर रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता. उन्होंने बच्चों को निशाना बनाना भी शुरू कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान के पास सरकारी तौर पर नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी मौजूद ही नहीं थी. दिस इज द एज ऑफ सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया के ऊपर जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनका नैरेटिव अगर गवर्नमेंट से स्ट्रॉन्गर होगा तो ऑफकोर्स वो पाकिस्तानी यूथ को अट्रैक्ट करते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करते हैं.